देखा कि कापर चढ़े बड़े बड़े व्यापार हो रहे, बड़ी दुकान में रश देखा, चले गया वहां पर जोहरी के पास लार का टुकड़ा लेकर। तो वो भी बड़ा समझदार था जोहरी, अल्लाह वाला था, किसी पीर का मुरीद था, क्योंकि पीर के मुरीद को ही समझ रहती, बाकी सब एड़े बावले ही रहते। क्या बात, क्योंकि पीर का मुरीद पीर की समझ से चलता। हे काम नवे एड़े बगाड़े से इतने पैसे जाती से, ये बच्चों का खेल नहीं, ये राज बड़ा मुश्किल है, ये अहले दिली समझ सकते इसको कि क्या बात है। वो जोहरी के पास चले गया घर का टुकड़ा लेकर। वो जोहरी ने देखा ये फटे पुराने कपड़े में आया, उसको तरस आ गया, अरे ये तो धनगर है, बोले इसको क्या बोलो, बड़ा रहम दिल था बेचारा वो जोहरी। वो जोहरी ने बोला अरे ये तो बहुत कीमती है, बोले इसकी क्या कीमत चुकाना, बोले एक काम करो, बोले ये तुम्हारा हीरा तुम्हारे पास ही रहने दो, बोले और मेरे पास नौकरी कर लो, बोले तुम क्या, बोले मेरे पास नौकरी कर लो, बोले तुम, तुमको 10,000 रुपए महीने की पगार दूंगा मैं, और तुम्हारा हरा हीरा तुम्हारे पास ही रखना, देख तिजोरी, तिजोरी रहती ना जोहरी के पास, ये तिजोरी है देखो, इसमें तुम्हारा पत्थर रख दो, उसको ताला मारा, चाबी उसके पास दे दिया, तुम्हारा हीरा तुमको रहने दो, 10,000 रुपए महीने की नौकरी करो मेरे पास। इन्हें बोला अरे वाह, अपना हीरा यानी गार का टुकड़ा, बोले अपने पास है रहा हीरा और 10,000 रुपए महीने की नौकरी भी मिल जा रही। मौलाना जलालुद्दीन तमसील दे रहे, हिस्से से हमको हिस्से, मेरे बच्चे का ऐसा हो जाना, हजरत दुआ करो मेरे बकरियों ने बच्चे देना, हजरत दुआ करो मेरे मुर्गियों ने अंडे देना। इस वास्ते गया था ना पीर के पास, हजरत ऐसा करो मेरा बंगला हो जाना, हजरत मैं मुरीद इस वास्ते हो रहा कि मेरा ऐसा हो जाना, इस वास्ते गया था ना। तो हमारे पीरों मुर्शद को तरस आ गया हमारे पे, बोले ये मांग रहा तो दुनिया है, चलो दुनिया ही सही, वो भी तो अल्लाह से मांगेंगे ना। तो वो जोहरी को तरस आ गया, उन्हें रख लिया अपने पास। उसी तरीके से जब मैं दुनिया मांगने गया मेरे पीरों मुर्शद के पास, तो मेरे पीरों मुर्शद को तरस आ गया मेरे पे, उन्होंने बैत कर लिए, मुरीद कर लिए, तिजोरी में रखे हुआ। अब रोज बरोज वहां पर गिराक आते गिराक जाते, कोई हीरा खरीदने को आता, कोई पन्ना खरीदने को आता, कोई लाल खरीदने को आता, अलग अलग जो रहते, कोई जमरूद खरीदने को आता, अलग अलग खरीदार आ रहे, उन्हें दे रहा बता रहा, हीरे बता रहा, बेच रहा कर रहा। जोहरी की सोबत में रह रहा, जोहरी भी उसको देख रहा कि इन्हें बराबर बता रहा, पन्ने को पन्ना बोड़ा, मोती को मोती बोड़ा, और जमरूद को जमरूद बोड़ा, हकीक को हकीक बोड़ा। तो मेरे पीरो मुर्शिद की नजर मेरे पे नहीं, जब उनकी नजर मेरे पे पड़ेगी तो पकड़ते, देख रहा है था एक हाथ बंद करके, उन्हें देख लिया कि इसको समझ आ गई है, फर्क आ गया, अब इसने समझ गया कि हीरा क्या है, मोती क्या है, पन्ना क्या है, चाबी कहाँ है ना तुम्हारे पास संभाल के, हाँ निकालो, अब तुम्हारा हीरा निकालो, बोले उसको तिजोरी में से खोल देना, बकरियों ने बच्चे देना, मेरे बच्चे का होना कार बंगला मोटर, ये दुनिया है, ले बोले चाबी खोल तेरा। खोला उसने, खोल कर निकाला अपना गार का टुकड़ा, जिसको उन्हें समझ रहा था हीरा, देखा और रोने लग गया कि मेरे पीर का, मेरे मालिक का कितना करम है कि मेरे को पहले नहीं बोले मेरे पीरों मुर्शिद ने कि तू दुनिया मांगने आया था, तो ये है क्या तेरे वास्ते, तेरे जिंदगी का मकसद ये है क्या, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून का मतलब ये है क्या, मुझे तुम पहचानो कहा, तो सीखना अकायद का वाजिब हुआ, अकायद नहीं जिसके तय याद है, जहन्नुम में घर उसका आबाद है, मेरे गुनाह ज्यादा है तेरी रहमत, ज्यादा है कि तेरी रहमत करीम, तू ही बता दे हिसाब करके मुझे, तो मेरे गुनाह ही ज्यादा निकलेंगे, उसकी रहमत ज्यादा निकलेंगे। गुनाह तो है, मैं गुनाहगार है, मगर जब मैं सिलसिले से जुड़ा रहूंगा तो मेरे पीरो मुर्शिद बचा लेंगे, बगैर पीर के कोई नहीं। देखिए हदीस शरीफ है, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, उसका मफहूम मैं बयान करता हूं आपके सामने। उसका मफहूम यह है कि हश्र का मैदान बापा होगा
और जब सब जन्नत में जा रहे